हेलो दोस्तों, आप लोग को मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए हम क्लास टेंथ चैप्टर द्विघात समीकरण के 4.4 एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। तो आप लोग जो है इसमें पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है आप लोग को लास्ट जो है दो क्वेश्चन जो है उसको हम बताएंगे, ठीक है। और दो क्वेश्चन खत्म होने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद एपी को बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है आप लोग को क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में आप लोग को क्या कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब वर्तमान के मतलब अभी का आयु, ठीक है। और इसमें क्या कहता है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष। मतलब दो गो दोस्त है, तो मान लीजिए एगो एक्स दोस्त है एगो वाई दोस्त है, ठीक है। एक्स और वाई दोस्त है और दोनों का योग जो है कितना है 20। योग माने कथी, जोड़। दोनों का योग जो है ना से 20 है, ठीक है। दोनों का योग 20 है और 4 वर्ष, पहले इतना ही कि हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां पर ही x आ बराबर यानी प्लस में है तो इन्हें क्या हो जाएगा, माइनस में 20 माइनस y हो गया, इन्हें प्लस में तो इन्हें माइनस में। अब यहां पर देखिए तो दो गो दोस्त है, एगो ये दोस्त है एगो ये दोस्त है, दोनों के आयु का इतना है जोड़, ठीक है 20 है। तो अब कहेगा 20 है दोनों के मिला के, तो कहेगा आपको कि ये बताइए कि दोनों के एज अलग अलग कितना होगा। तो एगो दोस्त के x साल होगा और दूसरे का दोस्त के 20 माइनस में वाई। अगर मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन को हम मानते हैं कि एगो दोस्त एक्स है और फिर दूसरे को दोस्त एक्स है, ठीक है, और दोनों के जोड़ दोनों का योग क्या है 20 है, दोनों का मिला का कितना एज है 20 है। तो एगो हो गया x और एन ही प्लस में तो एन ही माइनस में, तो 20 माइनस x हो गया। तो एक दोस्त का एज x हो गया और दूसरे का क्या हो गया 20 माइनस x। आसानी से बनाने का तरीका यही है, ठीक है। मतलब दोनों का योग 20 कह दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वर्तमान आयु ना ज्ञात करने के लिए कहता है, तो चलिए आराम से समझिए, एकदम फुल होगा। माना कि वर्तमान आयु बराबर, तो यहाँ दो गो दोस्त है, ठीक है। तो एक मित्र का लिखते हैं यहां पर ही, एक मित्र का वर्तमान आयु, एक मित्र का वर्तमान आयु एक्स वर्ष मान ली, एकदम आराम से समझिए और यहां हल लिख दीजिएगा, ठीक है। एक्स वर्ष मान ली तो दूसरका के कितना होगा, दूसरका के और दूसरा मित्र का वर्तमान आयु बराबर। आप ही सोच के देखिए, हम यहां पर यह बता भी दिए कि एक मित्र एक्स हो गया तो दूसरे का 20 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब एक बात हम ऐसे भी समझा देते हैं क्योंकि जितना ज्यादा आप समझिएगा उतना बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जैसे दो गो दोस्त है, ठीक है, तो एगो के ना दो गो दोस्त के मिला करके योग, दोनों दोस्त का योग 50 रुपया है, ठीक है 50 रुपया। तो मान लीजिए कि दोनों दोस्त का योग 50 रुपया है, ठीक है, मोहन और सोहन दोनों के मिलाकर 50 रुपया है ना, मोहन सोहन के। तो ये बताइए कि दोनों का योग ना 50 है, तो ये बताइए कि अगर हम मोहन के पैसा निकालेंगे तो 50 और माइनस में सोहन, इन्हें प्लस में तो इन्हें माइनस में सोहन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ही अगर ये एक्स है, ठीक है, एक्स है मोहन, एक्स रुपया है, तो एकरा पास कितना होगा, सोहन के पास कितना हो जाएगा, तो 50 माइनस एक्स। उसके बाद अगर ऐसे रुपया में लेते हैं तो समझिए, मान लीजिए कि इसको 30 रुपया है और इनने टोटल 50 रुपया है, तो अगर हमको पता करना होगा कि मोहन के तो 30 रुपया तो सोहन के कितना है, तो इनने 30 जो है इनने 50 में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि इसका 20 है,
ठीक है। तो इनने वाला के जब इनने वाला में से घटाते हैं ना तो अपन निकल जाता है, मतलब कि जो मानते हैं ना, मान लिए कि मोहन के 30 रुपया तो सोहन के 20, तो कैसे आया सोहन के 20, तो 50 में से 30 घटाए, तो उसी प्रकार ना यहाँ पर दोनों का योग जो है 20 है, ठीक है। मान लीजिए कि एगो के एज जो है एक्स वर्ष है तो दूसरका के कितना होगा, तो टोटल तो 20 है, तो 20 में से एक्स घटाइए दूसरका के, इस पता हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस एक्स वर्ष, एक्स वर्ष, ठीक है। ज्यादा बात में बेकार हो जाता है, ठीक है, इसलिए आराम से आप लोग समझिए, टाइम ज्यादा नुकसान ना करते हुए, ठीक है। देखिए अब क्या कहता है कि 4 वर्ष पूर्व, प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से तो ऐसे पूरे ऊपरों से है, ठीक है। अब क्या कहता है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पूर्व दोनों का, ठीक है, दोनों का 4 वर्ष पूर्व के कहानी है, ठीक है, दोनों का, दोनों मित्रों का गुणनफल 48 है, तो उसको हम बाद में फरिया लेंगे, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व के मतलब क्या समझते हैं, तो देखिए एक मित्र, ठीक है, एक मित्र हो गया, एक मित्र मित्र हो गया, और इधर हो गया दूसरा मित्र, दूसरा मित्र, समझिएगा आराम से, ठीक है। एक मित्र की एज अभी वर्तमान में एक्स है, और दूसरका मित्र के एज है 20 माइनस एक्स, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। 4 वर्ष पूर्व मित्रों का, मित्रों के आयु का गुणनफल, आयु आयु का गुणनफल, गुणनफल शॉर्टकट में गुणनफल कितना है 48 है, आयु का गुणनफल कितना है 48 लिखे, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, मतलब क्या हुआ कि आप लोग को यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। अब समझिए, अब वर्तमान एज आप लोग कितना है, एगो के एक्स है, एगो के 20 माइनस एक्स है, 20 माइनस एक्स है, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले, तो 4 साल पहले पूर्व के ख्याल रहेगा यहाँ, तो माइनस के चेंज दीजिएगा, तो माइनस कैसा, तो 4, ठीक है। फिर यहाँ 4 साल, 4 साल तो 4 साल, अब पूर्व माने पहले, माइनस हो गया। अब यहां पर देखिएगा गुणनफल माने आयु का गुणनफल, गुणनफल कितना 48, मतलब गुना, दोनों के गुना गुणनफल। अब यहाँ क्या कहता है, एक्स माइनस फोर, ठीक है, और यहां हो जाएगा 20 में से 4 जाएगा तो 16, और माइनस में एक्स हो गया, और दोनों का गुणनफल कितना है 48, ठीक है। अब देखिए, अब यहां गुना करते, एक्स से दोनों में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए ई से तो 16x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, ई से ए में हो गया। अब माइनस 4 से गुना करते 16, तो माइनस 16 चौका 64, माइनस 16 चौका कितना हो जाएगा 64, और माइनस माइनस प्लस 4x हो गया, आइसकल टू में इधर हो गया 48। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब इसको सीधा करके लिखते हैं, ठीक है, तो इन्हें हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां समझिए, प्लस में 16x और प्लस में 4x, तो प्लस में 20x हो जाएगा, 20x हो गया, और इन्हें माइनस में, समझिए इधर इधर ही माइनस में, देखिए माइनस में 64 यानी प्लस में है, तो इन्हें आएगा तो माइनस में 48, और बराबर क्या हो जाएगा 0, बात समझ गए, इसको आगे कर दिए हैं, ठीक है, और 16x और 4x के जोड़ दें, दोनों में जोड़ में है तो 20x, और इन्हें माइनस 64 है तो माइनस है 64, इन्हें प्लस में था तो इन्हें लिया है तो माइनस में, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 20x, और यहाँ पर दोनों माइनस में है तो माइनस, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 48, यहाँ पर 48 हो गया, 64, 4, 8, 12 के 2, 6, 4, 10, 10, 1, 11 हो गया, 10, 1, 11, 112 हो गया बराबर 0। अब क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का है ना, माइनस कॉमन होता है ना, तो जो भी चिन्ह होता है ओकर ना जस्ट उल्टा हो जाता है, अगर ये माइनस में, माइनस कॉमन के बाद ये माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, जब कॉमन होगा माइनस तब, ये माइनस में है तो प्लस में, 112 और बराबर 0, ठीक है। अब ई वाला से लेके इधर दे दीजिए 0 के, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस में 20x और प्लस में
12 बराबर 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, अब क्या होगा, अब इसको ना द्विघात सूत्र पर तोड़ेंगे, ठीक है, द्विघात सूत्र पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए ई जो है इसमें ए का मान कितना होगा, तो इसमें अंक नहीं है तो एक होता है, ठीक है, और बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा, माइनस में ई होता है बी का मान, ठीक है, और सी का मान क्या हो जाएगा, सी के तो 112, सी का मान कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है, मान रखेंगे इस सूत्र पर, द्विघात सूत्र में याद है आप, इसको हम बोले हैं कि आसानी नियम से भी बना सकते हैं, द्विघात सूत्र से, या आप लोग को एगो बताए थे डी बराबर सूत्र, उस पर भी बैठा करके हम लोग इसको जांच सकते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, अब बाई 2a, इसका सूत्र होता है। तो x बराबर अब क्या करेंगे, माइनस, अब b के मान देखिए, b का मान कितना है, माइनस, ठीक है, तो ये माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b सूत्रेगा, अब प्लस माइनस रूट अंडर, अब ध्यान दीजिए b का मान तो आप लोग को पता है कि माइनस में 20 है, तो माइनस 20 के यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर दीजिएगा, और माइनस 4, और a के मान, a का मान कितना है, तो a के मान एक है, कितना है, एक है, एक है, और सी का मान, सी का मान कितना है, तो 112 है, तो 112 यहाँ पर ही देंगे, ठीक है, अब बाई बाई 2, ए का मान तभी हम एक बैठावे ना किए थे, ए के मान देख लीजिए, ए का मान कितना है, एक, उसके बाद एक्स बराबर प्लस, यहाँ प्लस हटा देते हैं, 20 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 20 के स्क्वायर 400 होगा, ठीक है, 400, अब यहाँ माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा कितना, जब 4 से गुना करेंगे इसमें तो 448 आ जाएगा, 4 में 1 से तो 4, और 4 से जब 112 में गुना करेंगे ना तो 448, और बटा में 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, और प्लस माइनस रूट अंडर, अब इसको घटाएंगे तो बड़का ये माइनस में, तो माइनस 48 आएगा, और बटा में 2, अब यहाँ पर हम कहे थे कि रूट में जब माइनस में आ जाएगा, तो रूट में अगर माइनस आ जाएगा तो इसका हल संभव नहीं है, तब ना कहता निम्न स्थिति संभव है, तो ये इसका असंभव, मूल संभव नहीं है, ठीक है, मूलों को ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको बनाना संभव नहीं है, या लिख देंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्या चीज, मूलों, मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्या नहीं है, अस्तित्व, अस्तित्व नहीं है, ना है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में आ गया रूट में, ठीक है, तो इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। चलिए अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को, क्या कहता है क्वेश्चन से देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, ठीक है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लेकिन देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोग को एकरा से इतना अधिक है, या दोनों का योग इतना है, एगो एकरा से दुगुना है, ये सब क्वेश्चन देता था, माने क्वेश्चन बोलता था, लेकिन इसमें जो है इसमें परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है, और लंबाई चौड़ाई के कोई के दुगुना कोई के चौगुना दो अधिक कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो इसमें कोई दुगुना ना दो ज्यादा ना एक कम कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको किस प्रकार बनाएंगे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आराम से समझिए। माना माना कि अब देखिए ये क्या चीज है कि एक पार्क है, ठीक है, पार्क पार्क की लंबाई लंबाई को मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, और चौड़ाई को मान लेते हैं, चौड़ाई को मान लेते हैं y मीटर, ठीक है, लंबाई को x मीटर मान लिए और चौड़ाई को क्या मान लिए हैं, y मीटर मान लिए हैं, ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है, क्या परिमाप 80 मीटर है, ठीक है, परिमाप क्या है 80 मीटर। तो ये बताइए कि पार्क का, अब हम प्रश्न से चलते हैं, अब हम ना प्रश्न से क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन में से यानी कि बात लेते हैं उसमें से, ठीक है। अब यह देखिए परिमाप, तो किसका परिमाप की चर्चा कर रहा है, तो लंबाई किसका, पार्क का। तो यहां लिखेंगे पार्क, पार्क का परिमाप, परिमाप, पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ है 80 मीटर, तो 80 मीटर लिख लिए। तो ये बताइए कि किसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई जो होता है से आयत में होता है। और आप लोग को मतलब मालूम नहीं, फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो आप लोग जाइए क्लास 9th 10th 12th करके वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, उसमें जितना फॉर्मूला होता है सारा फॉर्मूला दिया हुआ है और आप लोग देख लीजिएगा। तो आय से लेकर वर्ग से लेकर के बेलन शंकु जो भी गोला अर्धगोला जो भी है सब टोटल फॉर्मूला वृत्त जो भी है सबको यानी कि टोटल फॉर्मूला को एकत्रित डिटेल्स बताया हुआ है, ठीक है। तो सब आगे भी आप लोग को क्षेत्रमिति यानी कि आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी पढ़िएगा तो वो सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अभी तत्काल में यहाँ आते हैं हम सब, पार्क का परिमाप, तो परिमाप जो होता है किसका है, तो पार्क के। तो पार्क कौन सा आकार के है, किसका हम सूत्र लगाए पता ना, तो ये बताइए लंबाई और चौड़ाई किस में होता है, तो आयत में होता है। तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, क्या चीज, आयत का परिमाप यानी पार्क आयताकार। अब देखिए 2 × लंबाई जो है से उसको माने हैं एक्स मीटर, अब प्लस चौड़ाई को क्या माने हैं वाई मीटर, वाई हो गया, अब बराबर में 80 हो गया, बाद में मीटर बिठा देंगे। अब ये 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, अब बराबर 2 से काटेंगे तो कायदा में 40 दामे कटेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स बराबर इन्हें प्लस में तो इन्हें हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में हो गया। अब यहां पर ही जो है एक्स बराबर 40 माइनस वाई हो गया, ये यहाँ पर समीकरण भी मान सकते हैं 1 या 9 भी मान सकते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट एक्स के मान रखेंगे हल कर देंगे। अब देखिए आगे क्या कहता है, तथा इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, किसका, तब पार्क की बात चल रहा है, तब पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल जो है से कितना है 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर यहाँ पर। तो ये पार्क आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, बताए ना पार्क कौन सा आकार के, कैसे हम जाने की पार्क आयताकार है, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात चल रहा है, तो लंबाई चौड़ाई तो आयत में होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 400 मीटर के स्क्वायर, लंबाई जो हो गया, लंबाई यहाँ पर माने हैं एक्स और गुने चौड़ाई माने हैं वाई, ठीक है, वाई लिख दिए, लंबाई एक्स, तो एक्स लंबाई की जगह चौड़ाई की जगह पर वाई, वाई माने थे 400 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बाद में लगा देंगे हल करके, ठीक है। तो एक्स के मान, देखिए एक्स का मान कितना है, ध्यान दीजिए, तो 40 माइनस में वाई, ठीक है, 40 माइनस वाई एक्स के जगह पर इसके स्थान में बैठा, इधर वाई है, अब बराबर में 400, ठीक है। अब यहां पर इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40 वाई, अब माइनस में इससे गुना होगा तो वाई के स्क्वायर, ठीक है, अब यहां पर वाई में वाई से तो वाई स्क्वायर, अब बराबर 400 हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब यहां पर करेंगे क्या चीज, सीधा कर देंगे या सबको उठा के उधरे ले चलिए। तो देखिए यहाँ पर इन्हें 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा, अब क्या हो जाएगा, देखिए 0 बच जाएगा इधर, तो 400, ठीक है। अब इन्हें देखिए, देखिए इन्हें प्लस में, तो इन्हें माइनस में हो जाएगा 40 वाई हो गया, और इन्हें माइनस में, तो इन्हें हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर हो गया। अब सीधा करके लिख देते वाई स्क्वायर आगे कर दिए, ये हो गया माइनस में 40 वाई और इधर हो गया प्लस में 400, 400 है ना, ये प्लस में, प्लस में ना, अब बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, पता है कि ए बराबर इसमें ना है कोई अंक, एक होता है, ठीक है, ए का मान, और इसमें बी के मान हो गया कितना, माइनस में 40, और सी का मान हो गया कितना 400, ठीक है, इतना तो आप लोग को पता है, इतना जानते हैं, हमेशा बताते आ रहे हैं। उसके बाद देखिए अब इसमें हम लोग y बराबर निकालेंगे, द्विघात सूत्र के प्रयोग करेंगे, तो क्या होता है, माइनस बी
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। ये किसका सूत्र है? यानी द्विघात सूत्र, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं द्विघात सूत्र, ठीक है। अब y बराबर देखिए माइनस b के मान कितना होगा, b के मान तो माइनस चालीस, तो माइनस और माइनस की प्लस हो जाएगा चालीस, और प्लस माइनस रूट अंडर, अब यहाँ देखिए b के मान कितना है तो माइनस चालीस है, देखिए तो माइनस चालीस के स्क्वायर हो गया, और माइनस चार, अब यहाँ देखिए a का मान कितना है तो a का मान एक है, अंक होता है ऐसे होता है, एक हो गया, हो गया। और c का मान कितना है, यहाँ घेरे हुए है, 400 हो गया, 400। अब देखिए बाई टू, और a के मान आप लोग को पता है कि एक है, एक है, तो y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 40, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर, अब माइनस 400 के स्क्वायर 1600, ठीक है, 400 के कहते 40 के, 4 के स्क्वायर 16, एगो जीरो के डबल जीरो हो गया माइनस, अब 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4, अब फिर 4 में उतना 400 से गुना कीजिएगा तो 1600 हो गया, अब बटा में 2, 2 गुने 1 2 ना होगा। अब देखिए y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 40, अब प्लस माइनस 1600 में से 1600, ठीक है, 1600 में से 1600 तो जीरो ही ना आएगा, तो छोड़ दीजिए, जीरो आ गया। अब आप लोग को पता है एगो बात, कौन सा बात, आप लोग को बता नहीं, टू छोड़ दिएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हम बताए जीरो होता है ना तो मूल के बराबर, मान दोनों आंसर एक के निकलेगा, ठीक है, एक जीरो आ गया ना रूट में, तो इसका मतलब ना एक दोनों मूल बराबर होगा, हम बताए ना दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा, तो वाई बराबर देखिए 40 बटा में 2, हम कहे एक दा प्लस में इसको लिखेंगे 0 बाई मतलब 40 प्लस 0 बाई 2, एक दा इसी को लिखेंगे 40 माइनस 0 बाई 2, बताए ना आप लोग को, तो ये सब आता ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जानते हैं कि 40 बटा में 2 हो गया, 40 बटा में 2 कटेगा तो 20 आ गया, 20 आ गया, वाई के मान कितना आ गया, y का मान 20 आ गया, फिर उसी प्रकार y बराबर 40 बटा 2, अभी कटेगा तब 20 आया ना, दोनों मूल क्या आया, बराबर आया, कहें कब जब जीरो आएगा रूट में तब दो गो मूल बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही y के मान तो निकल गया है 20, तो y तो माने थे चौड़ाई के, तो हमारा पता हो गया कि चौड़ाई 20 मीटर था, ठीक है। अब हम लोग को लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए देखिए, लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग को यहाँ पर देखिए ई वाला मान बैठाइए अब करके, ठीक है, अब लिखिएगा तब लिखिएगा x बराबर 40 माइनस वाई, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x बराबर 40 और माइनस y के मान कितना है, दोनों तो सेम है, 20 मीटर है, तब 20 माइनस में कीजिए तो x बराबर 40 में से 20 गया तब 20 मीटर, यानी कि x किसको माने थे, लंबाई को, तो यहाँ पर आप लोग को अतः करके लिखिएगा कि पार्क की लंबाई x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर y बराबर 20 मीटर, ठीक है, दोनों जो है 20 मीटर के होगा, ठीक है। चलिए अब अगला दिन आप लोग को एपी से माने परिचय करवाएंगे, ठीक है।